देश की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आइकॉनिक वीक के तहत केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इसी कड़ी में भिलाई में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में ठेका कामगारों को यूनिवर्सल अकाउंट की जानकारी दी जा रही है, जो श्रमिकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के श्रमिक नेता राधेश्याम जायसवाल ने बताया कि कामगारों के लिए केंद्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना काफी फायदेमंद है। पहले ठेका श्रमिक को अलग अलग ठेका कंपनी में काम करने के दौरान उनके अलग अलग ईपीएफ खाते खोलकर कर्मचारी भविष्य निधि के पैसे जमा कराए जाते थे। भलाई का यही फायदा है कि वो कहीं भी काम करे देश के भाग किसी भी प्रदेश में किसी भी उद्योग में, तो उसका एक यूनिक कोड जो मिलेगा वो सभी जगह काम आएगा। वो किसी भी उद्योग में चला जाए, किसी उद्योग को छोड़कर चला जाए, दूसरे उद्योग में चला जाए, तो इसका फायदा मिलता है। इस योजना के हितग्राहियों का कहना है कि इसके माध्यम से वे कहीं पर भी अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। इससे उन्हें काफी मदद मिल रही है और बैंक जाने के झंझट से छुटकारा मिल रहा है। जो मैं चाहूं अपना ईपीएफ जब चाहूं तब चेक कर सकता हूं। हर मंथ मेरा ईपीएफ डल रहा है कि नहीं डल रहा है, कितना डल रहा है, कितना परसेंट कट रहा है, ये सब मैं चेक कर सकता हूं। जो कि कहीं भी रहूं अपना ईपीएफ देख सकता हूं, इससे मुझे अच्छा बेनिफिट है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को किसी भी ठेका कंपनी में काम करने पर उनके अलग अलग ईपीएफ खाते खुलने के बाद भी ठेका कंपनी द्वारा जमा किए जाने वाले अंशदान उनके यूनिवर्सल खाते में सीधे जमा हो रहे हैं।